कि जब से ये लोग सत्ता में आए तब से परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग बताइए। मैं पूछ और आप भी बताइए कि परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। पहले तो राजा सरकार, सनातन धर्म हमारा एक है। अयोध्या मंदिर वो जो दशरथ जी महल है वहीं में रुके हैं, दशरथ जी महल में सेवा करते थोड़ी बहुत, वहीं से चले आए हैं। बहुत अच्छा। और महाराज जी आप कहाँ से? एमपी। आप भी एमपी से आए? जी जी, अमरकंटक क्षेत्र, अनूपपुर। जी जी जी, अनूपपुर जिला। जी अच्छा, प्रभु श्री राम जी के बारे में आप क्या कहेंगे? क्यों अयोध्या इससे पहले भी आए होंगे ना? नहीं, पहले बार आया हूँ। पहली बार आया हूँ। तो पहली बार में जाते हैं। वर्ल्ड में बहुत दरबार देखे गए थे, देखे भी हैं, हनुमान दर्शन किया, दुर्गा दर्शन, बहुत धार्मिक स्थल थे, पर राम की कमी थी। मोदी जी का शुक्रगुजार करूंगा कि उन्होंने हमें ये स्थान, श्री भरत जी का तपोभूमि है, और ये जो मंजन व्यवस्था सब है, सब कुछ मुझे मिलता है, वहीं सेवा करता हूँ। यहाँ मैं दर्शन करने लिए आज चला आया हूँ, फिर शाम के वापस वहीं चला जाऊँगा। क्या स्थिति है वहाँ का? तो नज़ारा बहुत पहले भी आए होंगे, काफ़ी बदलाव। जी जी, बहुत नज़ारा बहुत बढ़ रहा। अभी योगी जी और मोदी जी आए थे तो रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन। और दूसरी चीज़ जो आपने कहा राम, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, और ये बहुत बड़ी खुशी है कि आज हमारे कितने पूर्वज इसमें बलिदान हो गए, और आज ये सनातन धर्म हमारा एक हो करके इस 22 तारीख को हम चाहेंगे कि घर घर के अंदर दीपक जलाए जाएं, खुशियां मनाई जाए, एक दिवाली मनाई जाए, कि लोग हर एक चीज की छुट्टी। और नमस्कार दोस्तों, अभी मैं अयोध्या में हूँ। तो सबसे पहले जय श्री राम। अभी मैं अयोध्या प्रभु श्री राम जी के नगरी में आया हूं, और यह भरत कुंड का स्थान है। यहां पे देख रहे हैं महाराज जी भी हैं, और ये वही मंदिर है, वही जगह है जहां पे प्रभु श्री राम जी से भरत जी और हनुमान जी का मिलन हुआ था। बाबा जी हैं, महाराज जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि इस भरत कुंड का क्या रहस्य है, और यह प्रभु श्री राम जी से क्या यहाँ का लगाव है, और यहाँ के अयोध्या के बारे में। जैसे 22 जनवरी को बहुत बेसब्री से पूरे विश्व के लोगों का इंतजार है कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी अपने महल में वास करेंगे, तो महाराज जी से भी थोड़ा जानेंगे क्या चीज़ है यहाँ का। जी महाराज जी, स्वागत है। जी जय श्री राम। यहाँ का बारे में जय श्री राम। ये श्री भरत जी भगवान की तपोभूमि है। ये देखिए, आजकल का जमाना ऐसा है ना कि भाई भाई के लिए लोग बंटवारा करते हैं, लेकिन एक भाई के लिए अपना त्याग कर यहाँ पर 14 साल तक तपस्या किया, वो भूमि है। ये मेन बिंदु है अयोध्या की। ये जो जगह है जहाँ पर हैं आप इस समय, ये भरत कुंड, श्री भरत भगवान की 14 साल की तपोभूमि है ये। और जैसे आप ये जिस मंदिर पे आप खड़े हैं, ये श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर श्री मणिरामदास छावनी से जुड़ा हुआ है, और इसी के जस्ट बाजू में आप जो गेट के अंदर एंट्री मारे हैं, वहीं पर बहुत प्राचीन भरत भगवान दक्षिणमुख, आप दक्षिणमुख को भरत जी बैठे हुए भगवान राम के वियोग में तपस्या करते हुए गुफा, जो प्राचीन गुफा है, जब ये मानता है कि बहुत पुरानी है, आज तक कोई ये नहीं बता सका है कि ये गुफा कब की बनी है। मतलब वो गुफा नहीं है, वो है गड्ढा जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, लेकिन लोग गुफा कहते हैं, प्राचीन गुफा लोग गुफा के नाम पे कहते हैं आजकल। और ये जो ये स्थान श्री भरत जी का तपोभूमि है, और ये जो मंदिर है श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर है। जब प्रभु भरत जी यहाँ बैठ करके तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने एक संदेशा दिया था, ये संदेशा दिया था, हे प्रभु, अगर आप 14 साल के बाद एक भी क्षण दूर करेंगे, लेट करेंगे, तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। उसी समय जब पुष्प विमान देर हो रही थी, शाम ढल रही थी, तो प्रभु ने कहा अब हमारे भाई भरत जी कहीं प्राण न दे दें। तब उन्होंने सोचा कोई ऐसा भी हो जो वहाँ जाकर सबसे पहले खबर बतावे, तो ढूंढा गया, तो उसमें बजरंग बली जी महाराज, जो हनुमान जी वहाँ से प्रभु जी ने आदेश किया, वो अपना यहाँ प्रस्थान किए, और जिस पोंपी में पुष्प विमान पोंपी यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी है, उसका असली नाम है पोंपी है,
अब पांपी हो गया, बदल गया है नाम उसका, और आज भी वो विमान की जगह वहाँ पड़ी हुई है, आज भी है जगह वो, वहाँ पूजा होता है, भंडारा होता है, परिक्रमा भी होता है। और ये यहीं पर श्री हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में आए, ब्राह्मण के रूप में आए कि भैया भरत जी, और अभी आप ले जा करके अपना कैमरा आगे भी दिखाइएगा, जब गले लगे हैं तो हे राम के आंसू नयन बह रहे, उसके अंदर कोई वो नहीं है कि हम लोगों ने उसके अंदर कोई तेल लगा दिया, कोई वो अंदर तक भी चेक कर सकते हो, भगवान की देन है मूर्ति कैसी बनी, इस मूर्ति का वो देखिएगा, भगवान ये तपो की भूमि है। और दूसरी चीज़ जो आपने कहा राम, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, और ये बहुत बड़ी खुशी है कि आज हमारे कितने पूर्वज इसमें बलिदान हो गए, और आज ये सनातन धर्म हमारा एक हो करके इस 22 तारीख को हम चाहेंगे कि घर घर के अंदर दीपक जलाए जाएं, खुशियां मनाई जाए, एक दिवाली मनाई जाए, कि लोग हर एक चीज की छुट्टी, और मैं हर 22 जनवरी जो है, जैसे हमारे दीपावली दशहरे को छुट्टी दी जाती है, ऐसा मैं आगे भी निवेदन करूंगा सरकार से कि ये छुट्टी घोषित की जाए, और 22 तारीख को यहाँ भरत कुंड पर नहीं, पूरे विश्व में, भरत कुंड में नहीं, पूरे विश्व में दिवाली मनाई जाएगी, राम नाम का जाप भी चलेगा हर, और ये नहीं कि यही 22 जनवरी, हर वर्ष 22 जनवरी लोग याद रखेंगे ये दिन, ये हम चाहते हैं, हम संत समाज ये चाहता है, सभी लोग यहाँ चाहते हैं ये। देखिए कितना खुशी हो रहा है कि प्रभु का गुण गाया जा रहा है, तो भगवान भी जो है वो बारिश, तो ये फूलों की वर्षा हो रही है, ये भगवान की वर्षा नहीं हो रही है, ये भगवान वहाँ से देवता लोग, ये भरत जी की तपोभूमि है, नहीं अभी नहीं बारिश गिर रही है, कल लखनऊ में गिरी, यहाँ एक बूंद नहीं गिरी, यहाँ अभी आने का समय था, ये आप सोचिए, ये सबके भाग की नहीं है ये। और अब तो देखिए, अब तो सरकार भी ऐसी है, उसका भी बहुत धन्यवाद देंगे हम, सरकार ने परिश्रम किया, जनता ने चाहा, भाई चुना जनता ने, तो जनता ने चाहा, लेकिन परिश्रम सरकार ने किया। बाबा जी क्या लगता है, क्या लगता है कि मतलब पहले ऐसा नहीं लग रहा था कि प्रभु श्री राम जी का महल जो है स्थापित हो पाएगा कभी? देखिए हर एक शुभ कार्य के अंदर कांटे तो बहुत आते ही रहते हैं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन जब प्रभु राम जी के लिए, आज आपके जो मानिए देश के प्रधानमंत्री हैं, उन संत वो भी एक रूप है, ये आप मानिए, नहीं आप ये सोचिएगा कि जब से ये लोग सत्ता में आए तब से परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग बताइए, मैं पूछ और आप भी बताइए कि परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? पहले तो राजा सरकार, आज सनातन धर्म हमारा एक है, और रह गया देखे, जब जो जो सनातन धर्म एक हो करके चाहता है ना, वो बहुत वो होता है। और मानिए योगी जी, जिसे मानिए भगवान ही रूप है, वो भी एक रूप है, उनको साधारण आदमी मत समझिए आप, मोदी जी को योगी जी को आप जो है साधारण मत समझिए, साधारण नहीं है ये समझ लीजिए आप, नहीं आप लोग भी जानते हैं पहले यही धार्मिक हमारे स्थलों को, इसी धार्मिक स्थलों पे लोग नजर नहीं करते थे, जहाँ मटन मांस भी जाता था, लेकिन आज सनातन धर्म हमारा देखिए साबित हुआ है और साबित होके रहेगा, जय श्री राम जरूर। देखिए बहुत खुशी है और सभी लोग खुश हैं इस बात को लेकर कि 22 जनवरी अब बहुत करीब आ चुका है, आप लोग भी शायद बहुत खुश। कहाँ से हैं आप लोग? हम सिरसा हरियाणा से हैं जी। अच्छा, हरियाणा से आए हैं? हाँ जी। अच्छा, दो महीने हो चुके हैं, दशरथ महल श्री राम जी के चरणों में है, और बहुत खुशी हुई है हमें भी कि इतना सुंदर माहौल, रामलला दोबारा आए हमारे बीच में, वर्ल्ड में बहुत दरबार देखे गए थे, देखे भी हैं, हनुमान दर्शन किया, दुर्गा दर्शन, बहुत धार्मिक स्थल थे, पर राम की कमी थी। मोदी जी का शुक्रगुजार करूंगा कि उन्होंने हमें राम से मिलाया और सनातन धर्म को आगे बढ़ाया, और मन से शुक्रवाद करता हूं योगी सरकार का भी, जिन्होंने दोबारा से भगवान लहरा के एक सनातन धर्म को सहारा दिया है। आप कहाँ से हैं बाबा? मैं MP से हूँ, जिला छतरपुर।
ग्राम सटई बिजार तहसील से हूँ, मोहन मेरा नाम है। तो मैं यहीं दर्शन करने के लिए आया था और बहुत अच्छा हो गया, भगवान ने चाहा, हुआ उन्हीं की मर्जी से है। हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हीं की मर्जी से मोदी जी को भेजा, योगी जी को भेजा, हैं वो भगवान ही रूप में आए हैं, उन्हीं ने सब कुछ किया है, उन्हीं की मर्जी से हो रहा है, भगवान की मर्जी से। यहाँ पे कई दिनों से आप आके अब रहेंगे 22 तारीख? अब मैं 22 तारीख कहाँ रहना चाहता हूँ, 22 तारीख अयोध्या जौन वो दशरथ महल है राम जन्मभूमि, वहाँ पर मैं रुका हूँ धर्मशाला में, वहीं भोजन व्यवस्था सब है और सब कुछ मुझे मिलता है, वहीं सेवा करता हूँ। यहाँ मैं दर्शन करने लिए आज चला आया हूँ, फिर शाम के वापस वहीं चला जाऊँगा। अभी क्या स्थिति है वहाँ का, तो नज़ारा बहुत पहले भी आए होंगे, काफ़ी बदलाव? जी बहुत नज़ारा बहुत बढ़ रहा। अभी योगी जी और मोदी जी आए थे तो रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन कर गए और बस स्टैंड का उद्घाटन कर गए। बहुत पुलिस सुरक्षा बहुत कड़ाई है, बहुत प्रबंध है, बहुत व्यवस्था है, भोजन फ्री है आवा माँ मंदिर में, भोजन फ्री 11 बजे से 3 बजे तक, 56 प्रकार के भोजन करो, जो चाहना है वो खाओ। और धर्मशाला में भी मतलब मंदिर में भी व्यवस्था है रुकने के लिए। हम तो राम अयोध्या मंदिर वो जो दशरथ जी महल है वहीं में रुके हैं, दशरथी महल में सेवा करते थोड़ी बहुत, वहीं से चले आए हैं। बहुत अच्छा। और महाराज जी आप कहाँ से? एमपी। आप भी एमपी से? जी अमरकंटक क्षेत्र अनूपपुर। जी अनूपपुर जिला। जी अच्छा, प्रभु श्री राम जी के बारे में आप क्या कहेंगे? कि अयोध्या इससे पहले भी आए होंगे ना? नहीं, पहले बार आया हूँ। पहली बार आया हूँ। अच्छा, तो पहली बार में ज्यादा कुछ आपको बदलाव नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अभी जो है अभी एक मिनट में दर्शन कर चुका हूँ। आपको कैसा लगा? बहुत खुशहाली की बात है, आनंद आया और जीवन सफल हो गया हमारा। चलिए देखिए, प्रभु राम जी से सब लोग मिलना चाहते हैं और देखिए कितना दूर से भैया जी, बाबा जी हरियाणा से और एमपी से, अमरकंटक से, इतना दूर दूर से प्रभु श्री राम जी की नगरी में आए हैं, अयोध्या धाम में आए हैं दर्शन के लिए। और प्रभु श्री राम जी के धाम पर आके ही अपने आप को बहुत धन्य समझ रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे मोबाइल पर वायरल हो जाएगा।